आजाद समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी जावेद कुरैशी के खिलाफ मुख्यमंत्री से शिकायत कर कार्यवाही कराएंगे मिशन मोदी महामंत्री पवन भदौरिया। कुछ दिन पहले शाहगंज के राजीव टॉकिस पर आगरा नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया था, जो कि शहर की कई जगहों पर किया जाता रहा है। लेकिन शहर को साफ करने वाले इस अभियान पर भी आगरा आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी ने राजनीति खेल शुरू कर दिया। जावेद कुरैशी का कहना था कि अगर नगर निगम ने राजीव टॉकिस से रोड पर लगी दुकानें हटाई तो वे प्रदर्शन धरना करेंगे। इस मामले पर एक ज्ञापन भी कलेक्ट्रेट में दिया गया था, लेकिन नगर निगम को अपना कार्य करना ही था और नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का कार्य राजीव टॉकिस के पास किया। अतिक्रमण हटाया जा रहा था और भोली भाली जनता नेताजी का इंतजार कर रही थी। ना तो नेताजी पहुंचे और ना ही कोई धरना दिया गया। जनता को झूठे आश्वासन देकर सही कार्य का विरोध करवाने के खिलाफ मिशन मोदी पीएम अगेन महामंत्री पवन भदौरिया मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ऐसे लोगों पर कार्यवाही करवाने की मांग करेंगे। वहीं महापौर नवीन जैन का कहना है कि कानून के खिलाफ जो कार्य करेगा उस पर कार्यवाही होगी और शहर में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे अधिकारी हैं और जनता के लिए समर्पित हैं जिलाधिकारी महोदय, तो उनके माध्यम से अगर आप अपनी बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। इसके अलावा इनके एक दो दिन भी थे समाप्त कर दिए हैं क्या? इन्होंने समाप्त किया मेरे आपसे से और उनको मैं इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ और मुझे भी अच्छा लगा कि इनकी व्यथा पीड़ा जो थी वो मैं संज्ञानित हो सका और निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूँ उनको भी और आप सभी मीडिया बंदुओं को भी कि इस पर उचित कार्रवाई होगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करके भी आपको होगा। कोई निस्तारण मामले का नहीं हो रहा है। क्या समस्या है हमारे ग्राम पंचायत में? एक मिनट, जितना भी सरकारी धन आया है उसका स्थलीय तौर पर सत्यापन कराया जाए और जो उसमें गलत जो भ्रष्टाचार हुआ हो जो उसमें सत्य पाया जाए उसमें जो दोषी निकले उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, यही हमारी मांग है। अभी हमने हाल में 5 फरवरी को एक पत्र भेजा था कि हमारी ग्राम पंचायत में कंपोस्ट की कहाँ बना है, किस गाड़ी से बना है या नहीं बना है, उसका श्रीमान सचिव द्वारा पवन कुमार लाल जी द्वारा बताया जा रहा है कि कंपोस्ट पिट का निर्माण कराया जा रहा है। ये आपका रिपोर्ट 30 जनवरी 2021 की कह रहे हैं कि कंपोस्ट पिट का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद हमने उनको जवाब दिया, दूसरा लेटर हमने भेजा कि श्रीमान जी कंपोस्ट पिट का निर्माण कीमत में अक्टूबर में जो है पैसा निकाल लिया गया है इस मद का, और निर्माण कहाँ कराया गया है, किस स्थान पर, किस घाटे से, कितनी लागत से, मुझे ये बताया जाए। तब उनके द्वारा जवाब दिया जाता है कि ग्राम पंचायत में उनके द्वारा जवाब दी जाती है कि पूर्व में ही कंपोस्ट पिट का निर्माण करा दिया गया, अब साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है, कुछ नया निर्माण नहीं कराया जा रहा है। 30 जनवरी को निर्माण कार्य चल रहा था और 3 फरवरी को निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है, कितना विरोधाभासी का बात है। जी, एक चीज़ बताइए, जो आपने अनशन किया हुआ है किस विषय पर अनशन किया है यहाँ पे आप? हमारी ग्राम पंचायत में भारी अनियमितता है, भारी भ्रष्टाचार है, घोटाला है,
उसके हम प्रारूप सहित शिकायत पत्र जो है इंटरनेट माध्यम से ऑफलाइन माध्यम जरिए पोस्ट में लगातार दे रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम जांच वो अधिकारी करने जाता है जो खुद दोषी है, दोषी जांच करेगा तो क्या जांच करेगा। अभी तक आपके अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सुनवाई हुआ होता तो आज हम एक दिन के अनशन पर यहाँ न बैठते। किसके खिलाफ आप अनशन पर बैठे हैं यहाँ पे? मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ अनशन पर नहीं बैठा हूँ। ना हमारा किसी से कोई विरोध है, जो हमारे गांव में घोटाला हुआ है उसके सबूत है, उस पर कार्रवाई हो, जांच हो, जो दोषी हो उसको जेल भेजा जाए। हम दोषी हैं, अगर हम गलत हैं तो हमें ही जेल भिजवा दिया जाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मांग जायज है और हमारे गांव में जो अनियमितता हुआ है, चाहे वो प्रकाश व्यवस्था का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे सामुदायिक शौचालय का हो, चाहे पेयजल योजना में हो, हर तरह के भ्रष्टाचार है। मैं लेटर भेजता हूँ, उस पर गलत आख्या रिपोर्ट लगा करके मेरा मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है और इतने शिकायती पत्र भेज करके मेरा आर्थिक नुकसान किया जा रहा है ऐसे भ्रष्टाचारियों के द्वारा। अच्छा सुरजीत जी, और बताइए किस ग्राम सभा के लिए आप ये कर रहे हैं? मैं ग्राम पंचायत इकताजपुर का रहने वाला हूँ, मैं अपनी ग्राम सभा की समस्या उठा रहा हूँ। चलिए ठीक है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन